ये देखिए स्कैरक्रो यहाँ क्या कर रहा है। इट्स सो क्रीपी यार। अरे कब परेशान करना बंद करेगी। अरे बस दरवाजा खोलो। हम ही कर देते तेरा सारा खेल। एकदम चुप। कोई है? बंद करिए रात में शोर मचाना। मुझे निकालो यहाँ से। पागल करके रखे। निकालो मुझे यहाँ से। ये सूखी घास मेरे पलंग पे कैसे आ गई। कौओं की आवाज इस वक्त। इतने सारे कौए। ये यहां कैसे आ गए। आखिर इसे यहां कौन लाया होगा।
मुझे छोड़ दो, बचाओ, कोई बचाओ। वो वापस आ गया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। भाभी ये डिजाइन बहुत अच्छा है, मैं यही बनवाऊंगी। ठीक है पर थोड़ा कॉमन नहीं लग रहा है, कुछ और देखते हैं ना। हाँ ये वाली देखो जरा। नहीं भाभी, माना कि थोड़ा कॉमन है लेकिन है बहुत स्टाइलिश। इसमें अगर थोड़ा चेंज करवा दूं ना तो ये नया भी लगेगा और स्टाइलिश भी। बेटा चाची के लिए मेहंदी की डिजाइन फाइनल कर रहे हैं। वाली मेहंदी बहुत अच्छी है, आप यही वाली लगवाना। नहीं मैं तो ये बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी। अगर आपने ये वाली मेहंदी नहीं लगवाई तो मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगा, मम्मा को भी नहीं आने दूंगा और चाचू को भी नहीं। तो आप बोलो किससे शादी करोगे होने वाली चाची? अरे बाप रे, ऐसा? ठीक है बाबा मैं यही डिजाइन लगवाऊंगी। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है बाबा, अब तो आओगे ना मेरी शादी में अपनी मम्मी और चाचू को लेकर? अब तो आना ही पड़ेगा। डेकोरेशंस हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गए, गिफ्ट्स हो गया, लाइटिंग्स हो गई, कार्स, गाड़ियों का कर लिया ना आपने? कर लिया। ठीक है तो अब आखिरी चीज बची है खाना। खाना तो खाने में शाही पनीर कर देते? नहीं नहीं नहीं, पंजाबी छोले रखते यार, पनीर तो हर जगह मिलती है। अरे भैया पनीर रिच लगता है, छोले में वो बात नहीं रहेगी। नहीं यार छोले ना, छोले ना पनीर, शादी में सबके लिए बर्गर रहेगा। बर्गर भी कोई खाने की चीज होती है? अगर आपने वो नहीं रखा ना तो मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगा, पापा को भी नहीं आने दूंगा और होने वाली चाची से बोलूंगा कि वो आपसे शादी ना करे। अरे रे 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 रे, बाप रे बाप, एक बर्गर के लिए इतना सब कुछ? मेरे पास एक आइडिया, क्यों ना आज लंच में हम लोग सबको बर्गर खिलाएं। हाँ हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। और शादी में तो पनीर रहेगा, ठीक है? ओके डन। अरे पांचवा तू, तो तुमने अपनी बात यहाँ भी मनवा ली। मम्मा आपको पता है आज चाचू हम सबको बर्गर खिलाने लेके जाएंगे। अरे मेरा लाडला राजकुमार कुछ मांगे और हम ना दे पाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो फिर चलो सब लोग चलते हैं बर्गर खाने, क्यों? हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर छोटू खुश तो मैं भी खुश। तो फिर चले? चलो। तो छोटू कौन सा बर्गर खाएगा? अरे मैं अपना मोबाइल तो भूल ही गई, आप सब लोग नीचे चलिए मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना। जल्दी आना। ठीक है। चलो चलो। तो चीज वाला खाएगा बिना चीज का? मुझे घर चले जाना चाहिए, मैं बिना बात के ही आप सब लोगों को परेशान कर रही हूँ। अच्छा जैसे तुम कहोगी और हम तुम्हें घर जाने देंगे, अब ये भी तुम्हारा ही घर है। वैसे वहाँ कौन है जो तुम्हारा ध्यान रखेगा? यहाँ रहोगी तो तुम्हारा देखभाल भी अच्छे से होगा। आरती दोबारा कभी मत कहना कि तुम हमें परेशान कर रही हो। थैंक यू भाभी। अब ये थैंक यू वगैरह छोड़ो और चलो ये मेडिसिन खाओ, पकड़ो ग्लास, क्योंकि अब ये भाभी ही तुम्हारी नर्स है। पर घर की सीढ़ियों पर सूखी घास आई कहां से? हेलो भाभी। हाय। हेलो सर। सपना मैं तुम्हारा और आरती का बॉस सिर्फ ऑफिस में, घर पे ओनली राहुल। ओके सर, आई मीन राहुल। अरे आरती ये फ्रैक्चर कैसे हुआ? पूछ मत यार, बैठे बिठाए काम खराब हो गया। सपना तुम लोग बातें करो, हम लोग चलते हैं, कुछ भी चाहिए तो आवाज लगा देना। चले देवर जी।
एक्चुअली मैं ना तुझे यहाँ पे एक बैड न्यूज देने आई हूँ। मेरे फ्रैक्चर से भी ज्यादा बैड है क्या? क्या हुआ सपना, बोलो। तुझे याद है ना सुरेश अपने अंकल आंटी के साथ रहता था? हाँ। तुझे पता है उसके अंकल का किसी ने मर्डर कर दिया? What? तेरे को पता है? वो अपने ही घर में, यार वो क्या कहते हैं यार, वो जिसको एक बैम्बू स्टिक लगाई जाती है और परिंदे उड़ाने के लिए एक स्केयरक्रो, या स्केयरक्रो की तरह लटके हुए मिले वो। ओह माय गॉड। और सुरेश वो कैसा है? पता नहीं यार वो कैसा है, और ये भी नहीं पता यार किसने किया है। सुरेश भी कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है, हो सकता है उसे अपने अंकल के बारे में पता ही ना हो। पता नहीं सुरेश की आंटी ये सब कैसे हैंडल कर रही होगी। दरवाजा खोलो, कोई है? कोई है? मुझे निकालो यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। इस कंपटीटिव मार्केट में हमें हमारे ऑर्डर्स जल्द से जल्द पूरे करने चाहिए। पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ग्रोथ बहुत ही स्लो थी, पर उस पर भी उम्मीद कायम है। ऐसा क्या देख लिया आप लोग ने कि ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? किसने किया ये सब? किसने किया? नॉनसेंस। किसने किया ये सब? किसने किया? यू थिंक इट्स अ जोक? मजाक है ये? पहले वहां कॉन्फ्रेंस रूम में और उसके बाद मेरे कैबिन में। किसने किया? नो आंसर? ठीक है अब मैं ही देखता हूं, और जिस किसी ने भी ये किया होगा ना उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। लेट्स सी टू इट। डिस्गस्टिंग। छोटू ये कौवे यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं क्या? इनके कांव कांव ने मेरा सिर दुखा दिया है। हे आरती, कैसा रहा तुम्हारा दिन? And I'm sure कि दर्द थोड़ा कम है। हाँ पहले से ठीक है। मेरा छोड़ो, मेरा दिन तो बहुत ही बोरिंग था, तुम्हारा कैसा रहा? पूछो मत यार। ऐसा क्या हुआ? एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के बीच में किसी ने स्केयरक्रो की फोटोज डाल दी। What? शायद किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। हो सकता है, पर उसके बाद मुझे मेरे कैबिन के ड्रॉअर में एक मरा हुआ क्रो मिला। ऐसी सिख हरकत कौन कर सकता है तुम्हारे साथ? उसके बाद बहुत सारे कौवे मेरे ऑफिस के विंडो के आसपास घूमने लगे और उनकी आवाज इतनी इरिटेटिंग थी कि काम भी नहीं कर पाया मैं कुछ। बड़ी अजीब बात है राहुल, यहाँ पर भी मुझे कौवों ने परेशान करके रखा है और तुम्हारे साथ भी।
पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे, कल बहुत ही हेक्टिक डे है। आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए। टाइम पे सो जाना। गुड नाइट। चल छोटू, चाची को सोने दे। कम ऑन, आ जा। ये अंदर कैसे आ गया? ये कैसी आवाज है? इतने सारे कौवे इस वक्त? Damn it! इसे यहां कौन लाया? आरती, प्लीज हिम्मत रख यार। आखिर किसने किया होगा राहुल के साथ ऐसा? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तुझे ये सब अजीब नहीं लगता है? सुरेश के अंकल की भी डेड बॉडी वैसी ही मिली थी जैसे राहुल सर की मिली थी। सुरेश का कोई अता पता भी नहीं है। किसी को ऑफिस में नहीं पता है कि वो कहाँ है। तुझे कुछ
कुछ डाउट नहीं आता इन बातों पे? तू ठीक कह रही है सपना, बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। पहले हमें सुरेश के बारे में पता करना होगा। हर वक्त इन कौओं के शोर ने मुझे परेशान करके रखा है। एक ही तरीके से दो लोगों की मौत हो जाना, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ है। इस वक्त कौन है वहां? तो छोटू की आवाज है। छोटू, खिड़की कैसे टूटी हुई है? छोटू, 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 यहां भी नहीं है। छोटू, छोटू, तुम ये क्या कर रहे हो? भैया, भाभी, कुछ नहीं होगा इसे। मैं इसे अभी डॉक्टर के पास लेके जाता हूं। कुछ नहीं होगा इसे। तुझे ये सब अजीब नहीं लगता है?
सुरेश के अंकल की भी डेड बॉडी वैसी ही मिली थी जैसे राहुल सर की मिली थी। सुरेश का कोई अता पता भी नहीं है, किसी को ऑफिस में नहीं पता है कि वो कहाँ है। सपना ठीक कह रही थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, और ये सब की शुरुआत सुरेश के अंकल की डेथ के बाद ही शुरू हुई है। इन सबका आपस में कोई ना कोई लिंक तो जरूर है, और इन सब बातों का जवाब शायद मुझे एक इंसान दे सकता है। आंटी, आंटी, आंटी कहाँ हैं आप? दरवाजा खोलो, कोई है? ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। आंटी, कोई है? मुझे निकालो यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से, दरवाजा खोलो। आंटी, ताला, यहाँ ताला किसने लगाया? आंटी, खोलो। आंटी, 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 क्या हुआ आपको? उठिए आंटी, मैं आरती। उठिए आंटी, उठिए आंटी, अब ठीक तो है आंटी? उठिए, बैठिए। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है ना? और सुरेश कहाँ है? सुरेश अभी दुनिया में नहीं है। चार दिन हो चुके। क्या? हम तो जानते हो शायद, सुरेश हमारा अपना बच्चा नहीं था, बिन माँ बाप का बच्चा गोद लिया था हमने, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, सब आकर उसे दबा कर चले जाते थे, और ऑफिस में भी वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम था। राहुल ने उसे सबके सामने डांटा तो उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त जब तुम उसके बचाव में आई तो उसे हिम्मत मिल गई। लेकिन उसकी खुशियां बहुत ही छोटी थी, जल्दी उसे पता चल गया कि तुम और राहुल एक दूसरे को पसंद करते हो। उसने मुझे सब कुछ बताया, मानो सालों का रुका हुआ बांध फट पड़ा था। बहुत ही दर्द था उसकी बातों में, लेकिन हमारी ये सब बातें उसके अंकल ने सुन ली, और बजाय उसे हमदर्दी जताने के उसका मजाक उड़ाया। नहीं हो सकता। होगा, अच्छा होगा। छोड़ के चली गई। तेरा कुछ होने वाला नहीं, निकम्मा है तू, किसी काम का नहीं है ये। क्या कह रहे आप? तू चुप कर, छोड़ के चली।
किया? मार डाला है। लेकिन वो सुरेश को बंद नहीं कर पाए, नहीं रोक पाए उसे, वो वापस आ गया और उसने उन्हें मार दिया। वहां पुलिस को उनकी लाश मिली, मैं यहाँ स्टोर रूम में थी, शायद चक्कर आ गया था और बेहोश हो गई, इसलिए पुलिस मुझे ढूंढ नहीं पाई। सुरेश ने राहुल को भी मार दिया, वो सबसे बदला ले रहा है, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। चलिए आंटी, हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी चलिए। चलिए आंटी, जल्दी चलिए। संभल के, संभल के। इतनी सारी कब्र, यहाँ पे वेट कर रही हूँ। तुमने समझा क्या है अपने आप को? लिसन, मुझे मेरा पैसा 5 मिनट के अंदर चाहिए, समझे? नहीं तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। Thank you.
थैंक यू भैया आप आ गए, मेरी गाड़ी खराब हो गई। कौरी, समीर का है। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बता दो। समीर, समीर। मनन, क्या हुआ? समीर, प्रियंका नो मोर। व्हाट? हाँ, वो कल रात को उसकी बॉडी उसकी गाड़ी के पास मिली, फॉरेस्ट रोड पे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो वहाँ उस वक्त कर क्या रही थी। Are you sure वो उसी की बॉडी थी, वो प्रियंका ही थी? Of course, समीर। In fact, वो लोग कह रहे कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। Oh my God! कहीं वही प्रियंका तो नहीं है जो जो तुम्हारे ऑफिस में सेक्रेटरी का काम करती थी? वही है। जरूर उसने कुछ ना कुछ कांड किया होगा, मुझे तो उसके ऊपर पहले से ही शक था। कोरी, I don't know क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट छानबीन चल रही है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि शायद एक्सीडेंट हो सकता है। मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। समीर, तुम भी साथ में चलो। ठीक है। समीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इट्स ओके, आई विल मैनेज। पर समीर, अपना ध्यान रखना। चल तो रिलैक्स कर, टेंशन मत ले। हाँ, मैं कल मिलता हूँ तुझे। गुड नाइट। समीर, आ गए तुम? क्या हुआ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ हाँ, ठीक है। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? गौरी, गौरी, मुझे लगता है कि प्रियंका की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। मतलब? मतलब ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी ने मारा है? प्लीज छोड़ो ना ये सब बातें, वो तो थी ऐसी। तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? चल।
बाबा, डर क्यों गए? और तुम अभी तक फ्रेश भी नहीं हुए, जाओ जाके फ्रेश हो करो समीर। रात को कौन होगा? कौन है वहां? मैंने कहा कौन है? कोई है? कौन है? तुम भी मरोगे। बचेगा, एक एक करके सब मरोगे। मेरे को सीखा, प्लीज प्लीज मेरे को सीखा, मेरे बाप नहीं मेरे बाप। समीर, नहीं समीर, मेरे कुछ नहीं किया, मेरे कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे कुछ नहीं किया, मेरे कुछ नहीं किया, मेरे कुछ नहीं किया। क्या हुआ तुम्हें? कोई भी नहीं है वहाँ पर। वो यही थी उसका सर आया था, उसका सर आया था, उसकी बॉडी आती खून था। समीर, यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो यही थी गौरी, वो यही थी। समीर, यहाँ पे कोई नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब है समीर, तुम्हें दवाई की जरूरत है। तुमने दवाई नहीं ली ना, तुम चल के दवाई लो। तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे समीर, वो यही है समीर। कुछ नहीं हुआ है समीर, मैंने देखा था उसे। लो दवाई खाओ। कुछ नहीं हुआ है, सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। Thank you.
ये दरवाजा तो मैंने बंद किया था, खुल कैसे गया? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां पर? क्या बात है मनन, इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं वो, हाँ नियति, आज मैंने समीर को प्रियंका की मौत के बारे में बताया तो पता नहीं क्यों इतना घबरा सके, हालत खराब हो गई उसकी। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने उस इंसान का नाम मत लिया करो। नियति पर वो... क्या उसने जो हमारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी मनन। नियति, उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया वो हमारे लिए किया, मेरे लिए किया। आज अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो उसकी वजह से खड़ा हूं। अगर वो नहीं होता ना नियति तो वो नहीं होता तो हम बहुत खुश होते। कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? कितना नीच और गिरा हुआ इंसान है वो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? और अगर तुम्हें उसकी दोस्ती के फरेब में जीना है तो जियो, लेकिन मैं अपनी आंखों में पट्टी बांधकर नहीं जी सकती। गौरी, गौरी कहाँ चली गई? गौरी, गौरी, गौरी,
गौरी चली गई है। गौरी गौरी मनन घर आजा प्लीज प्लीज। गौरी गौरी कौन है कौन है वहां? विशाल नहीं नहीं मेरे पास नहीं नहीं समीर मनन मनन समीर मनन मनन मैंने उसे देखा। किसे किसे देखा तुमने? प्रियंका थी। प्रियंका कैसे आ गई? उसका काम सब मर जाएगी, तू भाग जा। क्या सब मर जाएंगे? समीर तुम क्या कह रहे हो? जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। किसने बोला? किसने बोला? गौरी की लाश। क्या गौरी की लाश गायब हो गई? विशाल वापस आ गया। वापस आ गया विशाल। उसे मार दिया, गौरी को मार दिया और प्रियंका को भी मार दिया। अब हमारी बारी है। वो हमें भी मार डालेगा, हम भी नहीं बचेंगे। मनन मनन को मार डालेगा, हमारी बारी है। मनन हम भी मर जाएंगे, हमें भी मार डालेगा वो। नियति रिलैक्स, वो वापस आ गया है, हम नहीं बचेंगे। अब हमारा नंबर है, हम दोनों मर जाएंगे। नियति जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन। तुम्हारा क्या मतलब है वो हमें मार डालेगा? दैट्स इम्पॉसिबल। पर तुम भी समीर की बातों में आ गए। गौरी को मार डाला, प्रियंका को मार डाला। अब हमारी बारी है, हम भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। मनन हम भी मर जाएंगे। तुम्हें याद नहीं है जब हम गौरी की बॉडी को देखने गए थे? स्विमिंग पूल के पास उसकी बॉडी नहीं थी तो कहाँ गई थी उसकी बॉडी? बताओ ना मनन, कहाँ चली गई? और प्रियंका, प्रियंका कैसे मरी? किसी का भी एक्सीडेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी धड़ से गर्दन अलग हो जाए? बताओ ना, ऐसा कैसे एक्सीडेंट था वो? कैसे मरी वो? ये सब विशाल ने किया है, विशाल ने किया है। समीर, समीर बार बार विशाल का नाम ले रहा है ना। समीर का दिमाग खराब हो गया। अरे उसकी पहले से ही तबीयत खराब थी और अरे गौरी के डिसअपीयरेंस के बाद तुमने देखा ना तुम्हारे सामने से कैसे भागा था। चलो ठीक है, एक मिनट के लिए समीर की बात मान लेते हैं कि तुमने इतना भी सोचा है कि विशाल उन दोनों को क्यों मारेगा? अरे यार कोई दिस इज जस्ट रिडिकुलस। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना मारने का। कुछ तो है मनन, मनन कुछ है, कुछ है जो तुम नहीं देख रहे हो, कुछ है। समीर बार बार विशाल का ही नाम क्यों ले रहा था? विशाल वापस आ गया है, आ गया वो। इस बात का जवाब सिर्फ समीर के पास है। सॉरी गौरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं खुद को बचा लूंगा। मैं चुप जाऊंगा कहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे भाई साहब हटिए, आप हटेंगे आगे से? भाई साहब हटिए आगे से। अरे कौन है यार?
विशाल माउस में चुप जाता हूं। क्या हो रहा है? प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूं। झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूं। गौरी, अब तक हमने जो कुछ भी प्लान किया है उसको पूरा करने का वक्त आ गया। वाओ, इसका मतलब कंपनी में विशाल और मनन से ज्यादा शेयर्स तुम्हारे होंगे, राइट? हमारे लेकिन कैसे? बहुत सिंपल है,
मैं मनन के दिमाग में ये शक पैदा करूंगा कि विशाल और नियति के बीच में कुछ चल रहा है। विशाल अपने आप रास्ते से हट जाएगा। वाव, पर कैसे? मैं मनन को इतना भड़का दूंगा कि वो विशाल को हमारे रास्ते से हटा देगा, और मनन को किस तरह चलाना है ये हम डिसाइड करेंगे। What a brilliant idea, right? प्रियंका, हम लोग कुछ और बात कर, तुम समझ नहीं रही हो। You know, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं स्टोरी में कहाँ हूँ? और अगर मैं हूँ तो मेरा ख्याल भी तो रखना चाहिए। प्रियंका, ये आता रहेगा ना रेगुलरली, लेकिन मुंह बंद रखोगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। नहीं, नहीं। देखा नहीं आती, कहा था ना मैंने, चलो चलो। यति प्लीज, ये नहीं हो सकता, ये उसने किया है। कोई नहीं बचेगा, वो तुम्हें मार देगा। बैठो, चलो। कम ऑन, कम ऑन। मनन, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग। मनन, जल्दी करो प्लीज। मनन, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही गाड़ी? गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? कोई नहीं बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। मनन, तुम सब मर जाओगे। ये हमें मार देगी। मनन, जल्दी करो। मनन, मनन प्लीज जल्दी करो। कोई नहीं बच सकता, तुम सब मरोगे। सबके सब मरोगे। तेज चलाओ मनन, मनन तेज चलाओ। I'm really sorry, मैंने तुम्हारी बात का भरोसा नहीं किया, पर ऐसा हो कैसे सकता है? प्रियंका की बॉडी और उसका सर, I just can't believe it। मनन, हम नहीं शहर ही छोड़ देंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अरे अब यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे, एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। कोई नहीं बचेगा, यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। मनन, गाड़ी बैक करो, गाड़ी बैक करो। मनन, तू ठीक हो? आ, 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 आ,
नियति 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 विशाल प्लीज देखो मेरी बात सुनो देखो प्लीज विशाल प्लीज माफ कर दो मैंने जो कुछ भी किया विशाल विशाल प्लीज वो नियति के लिए किया मुझे समीर ने बोला कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है hey guys, खाना नहीं खाना है क्या भूख भूख लगी है मुझे तो बहुत लग रही है चलो मैं प्लेट लगा दूँ भूख तो बहुत लगी है वेट आई हेल्प यू अरे इट्स ओके अरे मैं कर लूंगी आई हेल्प यू जस्ट वन सेकंड आई विल जस्ट कम या इट्स ओके रवि हाँ मैं देख लूंगी अरे रहने दो मैं करता हूँ ना यार तू फोन पे लगा हुआ है वहाँ वो तेरी बीवी के साथ लगा हुआ है उसे इम्प्रेस करने में समीर कम ऑन यार दैट्स डिस्गस्टिंग तू क्या बात कर रहा है मुझे भी ऐसे ही लगता था बकवास नहीं कर रहा हूँ थोड़े दिन पहले गौरी पे लाइन मार रहा था साइड में ले जाके समझाया मैंने तेरा खास दोस्त हूँ इसलिए तुझे समझा रहा हूँ अभी सिचुएशन तेरे हाथ में है संभाल ले नहीं तो लेट हो जाएगा वो देख देख कैसे हंस रहा है वो देख यार किसी और की बीवी को कोई ऐसे हाथ लगाता है कुछ नहीं किया था मैंने देखो समीर ने मुझे भड़काया था क्या करता मैं मैंने जब तुम्हें मेरे घर से बाहर निकलते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया अब मुझे बताएगा कि मेरे घर के बाहर कर क्या रहे हैं हम लोग थोड़ी देर वेट कर जब कुछ दिखेगा तो सब समझ में आएगा समीर विशाल ये साले कमीने क्या कर रहा था मेरे घर में अरे क्या कर रहा था अरे पागल हो गया क्या हाँ मैं पागल हो गया मेरे घर पे क्या कर रहा था तू अरे यार मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो मैं लीव मी यार मीटिंग कैंसिल हो गई थी कम ऑन विशाल मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ विशाल 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 मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था विशाल प्लीज जो कुछ भी हुआ उसका इन्हें पछतावा है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ विशाल दोस्त था वो मेरा पार्टनर था भरोसा नहीं था उसको मुझ पर तो मैं वहां मरा हुआ देख के मैं डर गया था मैंने समीर को फोन किया तो उसने मुझे एक शर्त पे हेल्प की कि तुम्हारा शेयर और मेरा शेयर मैं उसे दे दूं विशाल मैं करता तो क्या करता गलती हो गई विशाल प्लीज गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही विशाल विशाल नहीं प्लीज के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।